नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। जेडीयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जिस तरह से बयान दे रहे हैं, उनका कहना है कि जेडीयू पार्टी कमजोर हो गई है, उनको सुधार की आवश्यकता है। इस पर अब वाल्मीकि नगर से विधायक रिंकू सिंह की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा है कि पार्टी कमजोर नहीं बल्कि पहले से और मजबूत हो गई है। उन्होंने कहा कि पार्टी के नेतृत्वकर्ता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह दोनों मिलकर पार्टी को मजबूत बना रहे हैं। इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा की कुछ डिमांड होगी जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूरी नहीं की है, इसको लेकर वो खुद से कुछ बोले जा रहे हैं। आगे और क्या कुछ कह रहे हैं रिंकू सिंह, पहले आप वो सुने। नहीं देखिए, उपेंद्र जी जो भी बयान दे रहे हैं उनका बयान काफी बेतुका है। जेडीयू कहीं से भी कमजोर नहीं हो रही, लेकिन हाँ एक चीज है कि जो हम लोग को गौर करने वाला चीज और देखने वाला चीज है कि राजद के जो नेता है वो कहीं ना कहीं बेतुका बयान दे रहे हैं, जिसको जो कि स्पष्ट दिख रहा है, जो कि समाज को बांटने का काम कर रहा है, समाज को विभक्त करने का काम कर रहा है। तो मैं तो तेजस्वी जी से आग्रह करूंगा, वैसे नेता, चूंकि जो महागठबंधन की सरकार बनी है तेजस्वी जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के आपसी सहमति से बनी है और समाज को विकास करने के लिए, बिहार के विकास के लिए बनी है, तो मैं तो तेजस्वी जी से आग्रह करना चाहूंगा कि जितने भी राजद के वैसे नेता जो कि समाज को तोड़ने का काम करें और महागठबंधन में दरार बनाने का काम कर रहे हैं, उन नेताओं पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें ताकि उनका ये बेतुका बयान बंद हो। क्योंकि जिस दिन ये बेतुका बयान बंद हो जाएगा, आना उनका बेतुका बयान आना बंद हो जाएगा, मुझे लगता है भाजपा हो या उपेंद्र कुशवाहा जी हो, उनको कोई मुद्दा वैसा नहीं मिलेगा जिसपे वो समाज के सामने रख सके या समाज के सामने कोई बात कह सके। लगता है कि इस तरह के बयान से गठबंधन कमजोर हो रहा है, महागठबंधन कमजोर हो रहा है। देखिए, महागठबंधन तो अपने आप में अटूट है, कमजोर नहीं हो रहा है, लेकिन बेतुका बयान समाज को विखंडित करने का काम कर रहा है ना, समाज उससे विखंडित हो रही है, आपस में सबके मन में कुछ ना कुछ विद्वेष आने जा रहा है, तो ऐसा बेतुका बयान आना नहीं चाहिए। चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी सबका साथ सबका विकास वाले नारे पे चलते हैं और राजद वालों का जो बयान आ रहा है वो सबका साथ सबका विकास के साथ। तो सुना आपने, साफ तौर पे रिंकू सिंह ने ये साफ कर दिया है कि पार्टी कमजोर नहीं हो रही है बल्कि पहले से और मजबूत हुई है। नीतीश कुमार और ललन सिंह दोनों मिलकर पार्टी को मजबूत बना रहे हैं। इसी के साथ उन्होंने कहा है कि राजद के कुछ नेताओं के द्वारा जिस तरह से बयानबाजी की जा रही है उस पर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसे में पार्टी को उन लोगों के द्वारा कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। इसी पर उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को भी कह दिया है कि उनकी कुछ डिमांड होगी जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूरी नहीं की है, जिसको लेकर वो अलबल बोले जा रहे हैं। इसी के साथ और क्या कुछ कह रहे थे विधायक रिंकू सिंह, वो आपने सुना। फिलहाल के इस अपडेट में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहें सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।